राजा नगर नाम के गांव में भगत नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो एक स्वतंत्र सेनानी था, अब एक ढाबा चलाते हुए अपना जीवन गुजार रहा था। भगत बहुत ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी कमला भी ढाबा के पास उसकी मदद करती रहती थी। भगत का बेटा विमल एक सरकारी अफसर था, मगर वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर आदमी था। पैसे नहीं दिए तो किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं करता था। पिता के उसूल पसंद नहीं आने के कारण वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने लगा। कभी कभार पोता पोती ढाबे को आए तो भगत और कमला उन्हें बहुत प्यार से गले मिलते और खेलते थे। उन्हें ले जाने के लिए विमल आता था। बेटे का व्यवहार पसंद नहीं आने के कारण भगत हमेशा बेटे को समझाने की कोशिश करता था। छी छी, तुम कैसे आदमी हो? मैं अपने देश के लिए अपने जान को दांव पे लगाकर लड़ा था। मुझ जैसे को तुम्हारे जैसा रिश्वतखोर बेटा पैदा होना मेरी बदकिस्मती है। सब मेरे फूटे कर्म है। कृपा करके ऐसे काम करना छोड़ दो बेटा। कहा तो विमल, क्या पिताजी, अब भी देश ईमानदारी उसूल कहकर बैठे तो काम नहीं होगा। मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। बस ए बच्चो, चलो घर चलते हैं। यूं कहता था। एक बार विमल पुलिस एमएलए और कलेक्टर के साथ ढाबे के पास आया। विमल तब, पिताजी ये ढाबा हाईवे के बगल में है, इसे गिराकर यहाँ शॉपिंग मॉल बनाना है कहकर मैं आपसे बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, फिर भी आप सुन नहीं रहे हो। दूसरों से भी ज्यादा पैसे दिलाऊंगा कहे तो भी आप मान नहीं रहे हो। कहा भगत, तभी नहीं, अब भी वही कह रहा हूँ। इस ढाबे को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारे हिस्से की जायदाद तुमने पहले ही बांट दिया ना। सिर्फ ये एक ढाबा ही मेरा और तुम्हारे माँ का सहारा है। इसके आड़े आए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहा कलेक्टर, भगत जी आपके बारे में पता करके ही हम नकली दस्तावेज तैयार करवा कर लाए हैं। अब ये जगह आपके बेटे का है। कहा तो एमएलए, आपको ये जगह देना ही पड़ेगा। लड़ने के लिए आप कोर्ट गए तो भी हमें कुछ नहीं होगा। ये लो ये चेक लेकर अब चलते बनाओ। कहा विमल तब, चेक लेकर चले जाइए पिताजी। एक और बात, आप इस गांव में रहे तो मेरा नाम खराब होगा, इस वजह से आपको इस गांव में कहीं पर भी ढाबा रखने का मौका भी हम नहीं देंगे। कहा ऐसे तब, हाँ अब आपको इस गांव के जमीन पर ढाबा खोलने का मौका नहीं देंगे। अगर कोई आपको अपनी जगह दिए तो उसके हड्डी फसली तोड़कर अंदर कर देंगे। कहकर धमकाया। भगत गुस्से से उस चक को लेकर उसे फाड़कर बेटे के मुंह पे फेंक कर, रे मुझे इस गांव से जुदा करना तुमसे ही नहीं किसी से भी ना होगा, कहकर कमला को लेकर वहां से चला गया। बाद में भगत गांव में कई लोगों से बहुत बार मिन्नते किया तो भी सब पुलिस वालों से डर के उनके जगह को रेस्टोरेंट के लिए देने नहीं माने। इससे भगत अब कुछ कर नहीं पाया और जमीन पे मुश्किल होगा सोचकर पानी पे रेस्टोरेंट खोलना है कहकर संकल्प लेता है। ऐसे भगत मेहनत करके पानी पे एक रेस्टोरेंट बनाया। उस पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहकर एक बोर्ड भी रखा। पानी के बीच में मौजूद उस रेस्टोरेंट को पहुंचने के लिए किनारे के पास छोटे छोटे नाव भी रखे। लोग उस नाव में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को आने लगे। आए लोग उस रेस्टोरेंट में बैठते तो भगत और कमला उन्हें खाना बनाकर परोसने लगे। बहुत कम समय में ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हुआ। टीवी और अखबारों में उसके बारे में खबरें आने लगे। एक टीवी चैनल इंटरव्यू में भगत उस रेस्टोरेंट को खोलने का कारण बताने से उसका बेटा और अधिकारियों का दिया धोखा पूरे देश को पता चला। ऐसे उन सबको जेल जाना पड़ा। भगत, हाय दोस्तों, कहानी कैसी है? आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपा करके एक लाइक मार के शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आप में किसी ने भी ऐसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को देखा क्या, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।